सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम कक्षा नौवीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग नौ एवं दस की पृष्ठ संख्या दो सौ उनसठ पर दिए विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे यह कार्य आपको पांच अप्रैल 2021 को भेजा जा रहा है यह आवाज कल्पना शर्मा की है बच्चों आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या दो खोल कर बैठ जाएं साथ ही अपने पास व्याकरण की उत्तर पुस्तिका भी रख लें पाठ के मध्य आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे आप अपनी ऑडियो को तीन मिनट के लिए विराम देंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप तभी समर्थ होंगे यदि आपने विषय को ध्यान पूर्वक सुना एवं समझा होगा अतः यह आवश्यक है कि आपका ध्यान विषय की ओर ही केंद्रित रहे तैयार के हैं। बच्चों आपकी पुस्तक में दिए विलोम शब्दों को पढ़ने से पहले आइए इस विषय संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं विलोम का अर्थ है उल्टे अर्थ रखने वाले शब्द जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ दें, उन्हें विलोम शब्द, कहते हैं। विलोम शब्द में कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है एक वचन शब्दों का विलोम एक वचन में लिखा जाता है और बहुवचन का विलोम बहुवचन में ही लिखा जाता है दूसरी खास बात यह है कि विलोम शब्दों में तत्सम के विपरीत तत्सम तथा तद्भव के विपरीत तद्भव शब्द ही होने चाहिए यदि आप तत्सम शब्द का विलोम तद्भव शब्द में लिखेंगे तो वह गलत होगा विलोम शब्दों के ज्ञान से हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है एवं शब्द भंडार भी बढ़ता है बच्चों अब आपकी पुस्तक में दिए कुछ विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे आपका ध्यान अपनी अपनी पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए इन शब्दों को आप भी ऊंचे स्वर में दोहराएंगे पहला शब्द है अधम और इसका विलोम है उत्तम इसके बाद है अंतरंग बहिरंग अतिवृष्टि अनावृष्टि अनुरक्त विरक्त अपमानित सम्मानित अमृत विष, अल्पायु अल्पायु अल्पाय। शब्द के विलोम हैं दीर्घायु अथवा चिरायु आकर्षण विकर्षण अगम सुगम अंधकार प्रकाश अनुग्रह विग्रह अपना पराया अमर मर्त्य असाधारण साधारण, आदि अंत अग्रज अनुज अधुनातन पुरातन अनुकूल प्रतिकूल अंतर्मुखी बहिर्मुखी अपव्ययी मितव्ययी अरुचि रुचि अस्थ उदय आगत अनागत अर्थ अनर्थ अनाथ सनाथ अनुराग विराग अपेक्षा उपेक्षा अल्पज्ञ बहुज्ञ रोगी स्वस्थ आग्रह दुराग्रह बच्चों इन विलोम शब्दों में कुछ शब्द कठिन भी हैं जिनका अर्थ जान लेना आपके लिए आवश्यक है शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाने से आपको विलोम शब्द याद करने में आसानी रहेगी पहला शब्द है अधम जिसका अर्थ है नीच तथा उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ आगे है अतिवृष्टि जिसका अर्थ है अधिक वर्षा और इसका विलोम है अनावृष्टि जिसका अर्थ है जहां सूखा पड़ा हो इसी प्रकार अनुरक्त शब्द का अर्थ है प्रेम युक्त और इसका विलोम है विरक्त जिसका अर्थ है प्रेम रहित इसी प्रकार अधुनातन का अर्थ है आधुनिक और पुरातन का अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन अगला शब्द है आगत जिसका अर्थ है आया हुआ और अनागत का अर्थ है न आया हुआ अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला और बहुज्ञ का अर्थ है अधिक जानने वाला इसी प्रकार आग्रह शब्द का अर्थ है हठ पूर्वक प्रार्थना तथा दुराग्रह शब्द इसका विलोम है और इसका अर्थ है अनुचित हठ बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी आप सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर अपनी ऑडियो को तीन मिनट का विराम देकर उन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्न एक विलोम शब्द किसे कहते हैं प्रश्न दो निम्नलिखित में से अनुकूल शब्द का उचित विलोम लिखिए क अपूर्ण प्राचीन ग प्रतिकूल घ प्रत्यक्ष प्रश्न तीन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम उचित है लिखिए अगम सुगम ख अनुरक्त ग, अपना आयात घ रोगी उदार प्रश्न चार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें भारतीय किसान कभी डैश से परेशान है तो कभी अनावृष्टि से बच्चों आपको दी गई विराम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है आशा है कि आपने उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे उपयुक्त पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर एक जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं उत्तर दो निम्नलिखित में से अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल है उत्तर तीन निम्नलिखित में से शब्द युगम उचित है अगम सुगम उत्तर चार भारतीय किसान कभी अतिवृष्टि से परेशान है तो कभी अनावृष्टि से बच्चों अब हम आगे दिए कुछ और विलोम शब्दों को भी पढ़ेंगे इन शब्दों को भी आप मेरे पीछे ऊंचे स्वर में दोहराएंगे आशीर्वाद शाप आकाश पाताल आजाद गुलाम आर्द्र शुष्क आधुनिक प्राचीन सामिश निरामिश आयात निर्यात, आवश्यक, अनावश्यक आसक्त अनासक्त आज्ञा, अवज्ञ इष्ट अनिष्ट उचित अनुचित उत्कृष्ट निकृष्ट उदार अनुदार आनंद शोक आगे पीछे आदान प्रदान आदर्श यथार्थ आंतरिक बाह्य, आरोह अवरोह आशा निराशा आहार अनाहार या निराहार इच्छा अनिच्छा इहलोक परलोक उत्कर्ष अपकर्ष उत्साह निरुत्साह उधार नकद उपकार अपकार, अपनति अवनति दुरुपयोग ऊंच नीच कठिन सरल कनिष्ठ ज्येष्ठ आचार अनाचार आय व्यय आविर्भाव तिरोभाव आस्था अनास्था उच्च निम्न उत्थान पतन उदात अनुदात उन्मुख विमुख उर्वर ऊसर ऐचिक, अनिवार्य उपस्थिति अनुपस्थिति कड़वा मीठा कृत्रिम प्राकृत या नैसर्गिक आगामी विगत आदान प्रदान आरंभ अंत आश्रित अनाश्रित आह्वान विसर्जन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उदय अस्त उद्धत विनीत उपयुक्त अनुपयुक्त एकता अनेकता बच्चों उपयुक्त दिए विलोम शब्दों में से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं सामिश शब्द का अर्थ है मांसाहारी और निरामिष शब्द का अर्थ है शाकाहारी इसी प्रकार इष्ट शब्द का अर्थ है शुभ और अशिष्ट शब्द का अर्थ है अशुभ आगे है उत्कृष्ट जिसका अर्थ है श्रेष्ठ अथवा उत्तम और इसका विलोम है निकृष्ट जिसका अर्थ है नीच या अधम इसी प्रकार एक और शब्द है आविर्भाव जिसका अर्थ है प्रकट होना और आविर्भाव का विलोम है तिरुभाव इसका अर्थ है अदृश्य हो जाना उर्वर शब्द का अर्थ है उपजाऊ और ऊसर का अर्थ है बंजर इसी प्रकार आरोह शब्द का अर्थ है चढ़ाव एवं अवरोह का अर्थ है उतार इसी प्रकार आगामी शब्द का अर्थ है आने वाला समय और विगत का अर्थ है बीता समय अगला शब्द है उद्धत जिसका अर्थ है शरारती और इसका विलोम है विनीत और इसका अर्थ है विनय से युक्त अंतिम शब्द है ऐश्वर्य जिसका अर्थ है धन संपत्ति से पूर्ण और ऐश्वर्य का विलोम है जिसका अर्थ है धन संपत्ति का दो सौ आज हमने और दो और साठ पर दिए विलोम शब्दों का अध्ययन कर लिया है आशा है कि आपने इन्हें रुचि से पढ़ा एवं समझा होगा अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूं इस कार्य को आप अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे गृह कार्य सभी छात्र सरस हिंदी व्याकरण की पृष्ठ संख्या दो एवं दो साठ पर दिए विलोम शब्द अधम से लेकर ऐश्वर्य तक दो तीन बार ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे एवं इस कार्य को अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एवं याद भी करेंगे सभी छात्र इस कार्य को सुंदर लिखाई में करेंगे हिंदी विषय पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए इस कार्य को करना अनिवार्य है धन्यवाद